हेलो फ्रेंड्स, मैं कैलाश मिश्र। मैं भी आपकी तरह सिविल सर्विस एस्पिरेंट था जहाँ आज आप बैठे हुए हैं। मैं भी कल तक वहीं पर बैठा हुआ था, इसलिए मैं अपने आप को एक स्टूडेंट क्लेम करता हूँ एक टीचर ने, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सिविल सर्विस एस्पिरेंट था। और जब मैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, एज एन अपियरिंग कैंडिडेट मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू 3 मार्क्स से नहीं नहीं हुए। सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मेन नहीं हुआ। फोर्थ अटेम्प्ट में फिर मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा 8 मार्क्स ही नहीं हुआ। मैं 25 ईयर्स एज में 4 अटेम्प्ट दे करके रिटायर कर गया था और लास्ट 14 ईयर से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। मैं अभी तक 11 बुक ऑथर्ड कर चुका हूँ। मैं ट्रेंड एनालिसिस का एडिटर इन चीफ हूँ, जो पहले TMH से पब्लिश होती थी। उस ट्रेंड एनालिसिस में आपको ये बताया गया था कि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको भी अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका बेस्ट गाइड होता है। वह आपको ट्रेंड बताता है कि किस तरह से सिविल सर्विस की तैयारी किया जाना चाहिए। और आज का हमारा क्लास कॉन्फाइंड रहेगा हाउ टू प्रिपेयर जनरल स्टडी फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात की और भी चर्चा करना चाहूँगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों करनी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पहला बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में बहुत सारे एग्जामिनेशन, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से मिलेगा, वह जॉब सेटिस्फेक्शन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको पावर, प्रेस्टीज, रिपुटेशन, नेम, फेम और समाज के लिए बहुत कुछ करने का मौका देता है। इस एग्जाम के माध्यम से आप देश की नीति निर्माण में भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सभी नोविस होते हैं। आप उसे सलाह देते हैं कि पॉलिसी किस तरह से फ्रेम करना चाहिए। वो लोग सिंपली प्रिंसिपल ले डाउन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और आप लोग रिसर्च, इनोवेशन, एनालिसिस करने के बाद उसे सलाह देते हैं कि इस तरह से पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो एनालिसिस करें। तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग में आपका अभिन्न योगदान होता है। अब आइए हम लोग GS के स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ें। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 स्टेज का एग्जाम होता है, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सेकेंड स्टेज मेन एग्जामिनेशन। थर्ड स्टेज इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको 2 पेपर पढ़ना होते हैं, जनरल स्टडी फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 200 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग।
जनरल स्टडी सेकेंड पेपर जो पॉपुलरली सी शैट के नाम से जाना जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, 200 मार्क्स। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। पहले दोनों पेपर को मिला कर करके आपका रिजल्ट आता था, लेकिन 13 मई 2015 के बाद सी सेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया है, सी सेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया, अर्थात आपको 33% मार्क्स लाना है। और आपका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट डिटरमाइंड होगा आपको जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर पर। तो यहाँ आपकी टारगेट होनी चाहिए 60% टारगेट होना चाहिए। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, सिंपली यू आर एन ऑलराउंडर। दूसरे एग्जाम में क्या होता है कि आप स्पेशलिस्ट होते हैं, आप डॉक्टर हैं पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर हैं पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, CA हैं, CS हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट आप क्या है, जर्नलिस्ट। यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग बट समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आप ऑलराउंडर हैं, आप मास्टर स्क्रू हैं, इसलिए आपको सभी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है कि आप वहाँ पर सिस्टम को सिस्टमेटाइज कीजिए। आइए अब हम लोग मेन एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे। मेन एग्जाम को आप इस तरह से डिवाइड करें, पेपर फर्स्ट में आपको AC पढ़ना होगा 250 मार्क्स प्लस क्वालिफाइंग मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, क्वालिफाइंग मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। ये 10th स्टैंडर्ड का होगा 300 मार्क्स ईच। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। उनके अलावा आपको जनरल स्टडी पढ़ना होगा, GS 4 पेपर, ईच पेपर ईच 250 मार्क्स ईच। GS 4 पेपर 250 मार्क्स। फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सेकेंड पेपर आपको पढ़ना होगा पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सेट्रा। थर्ड पेपर में आपको इकोनॉमी एंड साइंस टेक पढ़ना होगा। और फोर्थ पेपर आपको एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इस तरह से आप देखते हैं कि जनरल स्टडी आपका 1000 मार्क्स का हो गया, जीएस आप देखेंगे 1000 मार्क्स का टोटल आ गया। और इंटरव्यू ये 275 मार्क्स का। तो आपका मेन का रिजल्ट 250 मार्क्स, 1000 मार्क्स, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होगा। जो भी आप ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहेंगे, 46 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आपको जो इच्छा हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट महसूस करते हैं
वह ऑप्शनल ले लें आप, ये 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स ऑप्शनल फर्स्ट पेपर, 250 मार्क्स ऑप्शनल सेकेंड पेपर होगा। इस तरह से मेन एग्जाम आपका कितना हो गया, 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स, यही आपका मेन रैंक डिसाइड करता है। और उनके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, तो 1750 मार्क्स प्लस 275 मार्क्स इक्वल टू 2025 मार्क्स, इस पर ही आपका रैंक डिसाइड होता है। और आपकी टारगेट होनी चाहिए 50% प्लस टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मेन में प्रायः लास्ट 10 ईयर से आप देखेंगे कि स्टूडेंट को बहुत कम मार्क्स देता है, 50% बहुत कम स्टूडेंट ला पाते हैं मार्क्स। तो आपकी टारगेट जो होना चाहिए, जैसे कि इस बार के एग्ज़ाम में देखेंगे कि फाइव टॉपर्स ही 50% प्लस मार्क्स लाए हैं, उनके बाद सभी स्टूडेंट का 50% से कम मार्क्स है, तो आपकी टारगेट होनी चाहिए 50% प्लस। अब आइए कि हमारा प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो प्रीलिम्स में फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे, फर्स्ट स्टेप आप एनसीईआरटी देख लीजिए सारी सब्जेक्ट का, एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास, 6 to 12 क्लास एनसीईआरटी देखिए। साइंस सेक्शन में आप 12 तक नहीं देखेंगे, 10 तक देखेंगे, अदरवाइज 6 to 12 क्लास तक आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे। एनसीईआरटी को इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बाइबल कहा जाता है, बाइबल गीता रामायण आप जो कहें, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बाइबल कहा जाता है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ये बाइबल है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें बहुत सारे वैल्यू एडिशन की जरूरी होती है, ठीक है, वैल्यू एडिशन की जरूरी होती है। वैल्यू एडिशन पहले आप एनसीईआरटी का नोट्स बना लें, फर्स्ट स्टेप में आप नोट्स बनाए, नोट्स आपका इस तरह से बनना चाहिए कि फिर दोबारा हमें एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आपके पास में रिवीजन के लिए टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका नोट्स इस तरह से बनना चाहिए कि आपको दोबारा एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े, पॉइंट टू बी नोटेड। एनसीईआरटी के बाद हर एक सेक्शन का आप मान लीजिए, जैसे ज्योग्राफी का आपने एनसीईआरटी पढ़ा, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप उसमें वैल्यू ऐड कीजिए, हायर स्टैंडर्ड के बुक में जाइए, जैसे जी सी लियोंग हो गया, खुल्लर की बुक हो गई, उसको सप्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट स्टेज आपने नोट्स बनाया एनसीईआरटी का, आप एक ही साइड में नोट्स बनाएं, अपने पेज का एक साइड में नोट्स बनाएं, एक साइड को ब्लैंक छोड़ दें, और जैसे एनसीईआरटी फिनिश्ड हो गया आपका, तो अब जो एक हायर स्टैंडर्ड के बुक से आपने जो नोट्स बनाया है, जिस चैप्टर का बनाया है, उसमें आप वैल्यू ऐड कर दीजिए, नोट्स एनसीईआरटी प्लस वैल्यू एडिशन, एनसीईआरटी में आप वैल्यू ऐड कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू ऐड कर दिया आपने। वैल्यू ऐड करने के बाद दूसरा स्टेप में, फर्स्ट स्टेप आपने एनसीईआरटी लिया, सेकेंड स्टेप में आपने वैल्यू एडिशन किया हायर स्टैंडर्ड के बुक से, थर्ड स्टेप में आप मैगजीन लीजिए, मैगजीन लास्ट वन ईयर का आप मैगजीन लेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर का करंट न्यूज आया है, मान लीजिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट से आप पढ़ने, पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उनको उस चैप्टर में आप सप्लीमेंट कर दीजिए, लास्ट वन ईयर का मैगजीन लीजिए, और जो करंट डेवलपमेंट हुआ उनको आप उसमें सप्लीमेंट कर दीजिए। मान लीजिए इकोनॉमी ले लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई ने क्या मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स्ड किया है, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, आपने एनसीईआरटी
या मिश्रा पुरी के बुक से आप इनके बारे में पढ़ लिया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब मॉनेटरी पॉलिसी में कोई न्यू चेंजिंग है, कोई न्यू मॉडिफिकेशन है, कोई न्यू चेंजिंग है, उनको आप जो है कि सप्लीमेंट करें, ठीक है। ये थर्ड स्टेज में होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट मैगजीन पढ़ रहा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 2 घंटा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम देते हैं, मैगजीन पढ़ने में टाइम देते हैं, वो कम्प्लीटली बकवास है। इनिशियल स्टेज में पहले बेस बना लीजिए, बेस बनाइए एनसीईआरटी से, फिर उसमें वैल्यू एडिशन दीजिए, उनके बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन की जरूरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर मैगजीन, लेकिन अगर इनिशियली मान लीजिए कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मॉनिटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चेंजिंग गवर्नमेंट ला रही है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि मॉनिटरी पॉलिसी क्या है फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो मैगजीन पढ़ने से क्या हुआ? मैगजीन पढ़ने का कोई वैल्यू है? मैगजीन पढ़ने का कोई वैल्यू ही नहीं है, बकवास है कम्प्लीटली उस केस में मैगजीन और न्यूज़पेपर, जब तक कि आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। इसलिए पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी देगा, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उनके बाद न्यूज़पेपर मैगजीन विकिपीडिया इंटरनेट से उनको सप्लीमेंट करें, ये सबका जरूरी है। लेकिन पहले फाउंडेशन, एलिमेंट्री आइडिया, फाउंडेशन आइडिया, फाउंडेशन आइडिया, एलिमेंट्री आइडिया, उनको जो है कि आप डेवलप कीजिए, ठीक है ना। फाउंडेशन को आप डेवलप कीजिए, एलिमेंट्री आइडिया को डेवलप कीजिए, उनके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर 2 घंटा पढ़ना बिगनर स्टूडेंट के लिए कंप्लीटली बकवास है, कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए पहला स्टेज एनसीईआरटी, दैट इज बाइबल फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट। सेकेंड स्टेज, उसमें वैल्यू ऐड कीजिए, साल भर के मैगजीन से, डिफरेंट मैगजीन, न्यूज़पेपर, मैगजीन से वैल्यू ऐड कीजिए, उनके बाद जो है वैल्यू ऐड कीजिए हायर स्टैंडर्ड बुक से। थर्ड स्टेज में मैगजीन न्यूज़पेपर में जो करेंट डेवलपमेंट आता है वह आना चाहिए और सभी एक जगह होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैगजीन कट कर करके रख लेते हैं और कुछ कुछ जो है कि एक स्टेज और आगे बढ़ जाते हैं, कट करके रख लिया, पढ़ा नहीं, कोई मतलब नहीं है। कुछ स्टूडेंट एक स्टेज और आगे बढ़ते हैं, वो क्या कर देते हैं, उसमें अंडरलाइन भी कर देते हैं, थोड़ा मेरे ऊपर में और ज़्यादा एहसान कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि आप और एक स्टेप आगे बढ़ें, उनको जो एक अंडरलाइन जो आपने किया है उनको कोहेरेंसी मेंटेन करते हुए जिस चैप्टर का वो है उसमें ऐड कर दीजिए और उनके बाद हटा दीजिए। मैगजीन न्यूज़पेपर जो कूड़ा करकट आप जो जमा किए उनको हटा दीजिए, आप अपने नोट्स में उनको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम के टाइम में आपको कुछ ना पढ़ना पड़े, ठीक है। सेकेंड स्टेज, ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। उनके बाद आप एक ग्रुप फॉर्म कीजिए, ग्रुप फॉर्म कीजिए, और ग्रुप फॉर्म कीजिए, ग्रुप 2 से 3 स्टूडेंट का होना चाहिए और आपका ग्रुप जो है कि कोऑपरेटिव ग्रुप होना चाहिए, फ्रस्ट्रेटिंग डिस्गस्टिंग ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, जो आपको इनकरेज कर सके कि पढ़ो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए कि जब हम लोग तैयारी करते थे, हम लोग चार, हमारे फ्लैट में 4 स्टूडेंट रहता था, हम लोग 2 रूम में 4 स्टूडेंट रहते थे, तो हम लोग भी ग्रुप डिस्कशन करते थे। ग्रुप डिस्कशन में आधा से ज़्यादा टाइम बकवास में हम लोग वेस्ट करते थे, नहीं पढ़ते थे, ठीक है, कि आज क्या हुआ नहीं हुआ, क्या किया नहीं किया, आधा टाइम जो है हम लोग उसी में बकवास बकवास में, लेकिन लेट नाइट स्टडी करते थे 3 बजे रात तक, लेकिन पढ़ते थे कुछ नहीं, बहुत कम पढ़ाई होती थी, आउटपुट बहुत कम होता था। और एक फ्रेंड दूसरे का लेग पुलिंग, दूसरा तीसरे का लेग पुलिंग, उनके बारे में क्रिटिसिज्म, उनके बारे में क्रिटिसिज्म, उसके गर्लफ्रेंड के बारे में चर्चा, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में चर्चा, यही सब होती थी। तो क्या था,
सीयर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपका ग्रुप ग्रुप फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, लेकिन वो कॉन्स्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव और सपोर्टिव ग्रुप होना चाहिए, ऐसा ग्रुप। अदरवाइज ग्रुप की कोई जरूरी नहीं है, अदरवाइज ग्रुप की कोई जरूरी नहीं, अकला चलो रे, ठीक है। अगर आप ऐसा ग्रुप बना लेते हैं तो आप फॉर्चुनेट हैं, अगर आपका ऐसा ग्रुप नहीं है तो आप ग्रुप मत बनाइए। तो नेक्स्ट स्टेज होता है ग्रुप फॉर्मेशन, जिसमें कि आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। उनके बाद आप अपने सीनियर से कंसल्ट कीजिए, अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए। अगर आप अपने से कर सकते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आप देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर अच्छा टीचर आपको मिल गया, अगर अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल गया, अच्छा गाइड मिल गया, तो आपको कहेगा कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली सारा कुछ आपको करना होगा। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एसोसिएट हो गए और सोचे कि हमने आईएएस बन गया, तो आईएएस बनने के लिए इंडिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। सभी जो आईएएस बनने के लिए 10 लाख रुपया खर्च कर सकता है, इजीली खर्च कर सकता है, 10 लाख नहीं 10 करोड़ खर्च कर सकता है आईएएस बनने के लिए, तो उसे कोचिंग करने से कुछ नहीं होता है। आपको कोचिंग में एक गाइड मिलेगा कि ऐसे करो ऐसे करो, जो काम आप एक साल में करेंगे वह काम जो है कि मैं आपको 4 महीने में करवा दूंगा। केवल यही एडवांटेज मिलेगा, एक दिशा निर्देश मिल जाएगी, अल्टीमेटली आपको करना स्वयं है। कोचिंग में अगर पढ़ने से क्वालिफाई कर लेता तो सभी क्वालिफाई कर जाता, ऐसा नहीं होता है, आपको करना होता है। देखिए मैं द्रोणाचार्य हूं, मैंने भीम अर्जुन नकुल सहदेव दुशासन दुर्योधन सबको पढ़ाया, मेरा एक स्टूडेंट अर्जुन हो गया, मेरा स्टूडेंट यूपीएससी में टॉप कर गया, और मेरा स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, मेरा ही स्टूडेंट है, मैं किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मैं रमाकांत आचार्यकर हूँ, मैंने सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट सिखाया और बहुत सारे क्रिकेटर्स को सिखाया, एक सचिन तेंदुलकर हो गया, एक रणजी भी नहीं खेल पाया, गली में ही खेलते रह गए, मेरा ही स्टूडेंट है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, मैं कोच हूं, मैं आपको कहूंगा कि ऐसे 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 पढ़ो, आप पढ़ेंगे नहीं तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आपको करना है, अपने ऊपर में विश्वास कीजिए, डोलड्रम में मत रहिए कि होगा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अच्छे मेरा ग्रेजुएशन में 10th में 12th में ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूँ, मैं जो है कि लोकल यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरा मार्क्स 33% है, मेरा जॉब अच्छा नहीं है, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, ये सब कम्प्लीटली फॉल्स परसेप्शन है। सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो देता है यूपीएससी में सेकेंड डिवीजन वाला देता है, टॉपर्स रिजल्ट नहीं देता, सेकेंड डिवीजनर सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो ऐसे केस में आपको इस तरह की प्रोफाइल इनसिक्योरिटी जो है उससे हटना चाहिए। यूपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अगर यूपीएससी को केवल टॉपर को ही लेना होता है तो जितने इंडिया में यूनिवर्सिटी है उनका हर एक डिपार्टमेंट है, तो हर एक ईयर जो है 1000s टॉपर निकलता है, तो सारे टॉपर हो जाता है, सारा टॉपर जो है आईएएस आईपीएस बन जाता, ऐसा नहीं होता है। हजारों की संख्या में हर एक ईयर जो है टॉपर निकलता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, इसलिए ये प्रोफाइल इनसिक्योरिटी को छोड़ दीजिए। यूपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंगली वह रिजल्ट डिसाइड करती है। इस कारण से आपको इस प्रोफाइल इनसिक्योरिटी से आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए प्रीलिम्स में पहला स्टडी मैंने क्या बताया, बेसिक बुक पढ़े, नोट्स बनाए,
वैल्यू एडिशन करें, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से इनको सप्लीमेंट करें। अब आइए, इसका क्वेश्चन जो होता है, मैंने बताया आपको कि 60 क्वेश्चन सफिशियंट है आपके रिजल्ट के लिए। प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। क्वेश्चंस ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, थ्री टाइप में डिवाइड कीजिए। इजी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है कि इजी में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ जो है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ जो है कि टीजर क्वेश्चन, टीजर क्वेश्चन आ जाएगा। पहले अब इस क्वेश्चन को कैसे टेकअप करें, साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, टाइम की क्राइसिस होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना इजी क्वेश्चन है उनको टेकअप कर लो। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन को टेकअप करो, जो जानते हो 100% कॉन्फिडेंट हो, उनके बाद जाकर के टीजर क्वेश्चन को डिफिकल्ट टीजर क्वेश्चन करो। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है कि छोड़ दो, टीजर क्वेश्चन कर लिया, थर्ड स्टेप में डिफिकल्ट क्वेश्चन में इलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो करो। इलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो करो। इलिमिनेशन प्रोसेस कैसे होगा कि देखो कि अगर दो ऑप्शन को अगर छाट देते हो कॉन्फिडेंटली, पॉइंट टू बी नोटेड कि ए बी सी डी चार ऑप्शन है, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि ए नहीं होगा, कॉन्फिडेंट हो कि डी नहीं होगा, तो बी सी में डाउट है कि ये या तो बी होगा या सी होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा गो हेड, टेकअप करो ये क्वेश्चन को। पॉइंट टू बी नोटेड कि ए और डी को तुमने एलिमिनेट कर दिया है, दो ऑप्शन 100% गलत है, तब जाकर के टेकअप करो इस क्वेश्चन को, अदरवाइज नहीं करो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पर अगर दो में कॉन्फ्यूजन है तो हमारी प्रोबेबिलिटी 50% आ गया, 50% सही होने की प्रोबेबिलिटी है, समझ रहे हो, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 50% है, तो हम जो है कि ये क्वेश्चन करें। ठीक है, इनको करेंगे, रिस्क लेंगे, हमें 60% सही चाहिए, 60% टारगेट होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर दो इलिमिनेट कर दें तो, जब हम लोग तैयारी करते थे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो हम लोग जो जानते थे वो करते ही थे, और साथ साथ जो है कि सारे कॉलम को भर देते थे, कुछ तो सही हो जाएगा, ए कर करके चले जाते थे, बी 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 कॉलम भर देते थे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में नेगेटिव है, आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है, जैसे कि हमारे पास में था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 2007 से नेगेटिव मार्किंग पैटर्न स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग जो वैसे करना स्टार्ट कर देते थे, तो सारा जो है कि जितना जानते थे उतना करते थे, उनके बाद टिक लगा देते थे, तो इजीली हम लोग 50% प्लस क्रॉस कर जाते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस तरह से 50% प्लस क्रॉस नहीं कर सकते, आपके पास में बहुत बड़ा खतरा है नेगेटिव मार्किंग का, आपको सोच समझ कर करके रिस्क लेना होगा, हम लोग जैसे आप रिस्क नहीं ले सकते। तो यहां पर अगर दो कॉन्फिडेंट हैं कि आपको हटाना है ये नहीं होगा, तब जो एक रिस्क लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है, और यह हमेशा ये याद रखिए कि मोर देन 90% स्टूडेंट 40-45% ही जानता है, 50% भी नहीं जानता है। ठीक है,
यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली 40-45% ही जानता है, कोई भी स्टूडेंट उसे ज़्यादा नहीं जानता है। उनके बाद जो आप एक्सीड करते हैं 60% तक पहुंचते हैं, तो आप टीजर क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं, टीजर क्वेश्चन पर आपका कमांड है और इलिमिनेशन प्रोसेस आपका कुछ सही हो जाता है, तब जो है कि आप क्रॉस करते हैं 60%, क्योंकि कट ऑफ प्रायः 55-60% के बीच में रहता है। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब आइए जहां तक टीजर क्वेश्चन का सवाल है, जहां तक टीजर क्वेश्चन का सवाल है, अब देखिए टीजर क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन होता है क्या, डिफिकल्ट आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये सारा ऑप्शन सही है। एक एग्जाम्पल से समझें इनको, एग्जाम्पल से समझें। जैसे एक एग्जाम्पल लें, व्हाट इज बेसिक फीचर, व्हाट इज बेसिक फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय शासन प्रणाली के मूलभूत विशेषता क्या है, संघीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता क्या है। तो आपको चार ऑप्शन है, मान लीजिए ए डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन, ड्यूअल गवर्नमेंट दोहरी सरकार, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बायकैमरलिज्म स्वतंत्र न्यायपालिका, बायकैमरलिज्म द्विसदनीय प्रणाली जिसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा। अब बताइए कि इसमें आंसर सही कौन होगा, आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे सुमित, आप बताएंगे मनीष, आप बताएंगे सोमा, आप सी, आप बताएंगे आप सी। चलिए कोई ए बताया, कोई सी बताया, कोई बी बताया, सारा जो कि सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। कॉन्फ्यूज्ड, कोई भी ऑप्शन गलत ही नहीं है, या आप कंफ्यूज हो गए कि क्या मारें। अगर ऐसा सिचुएशन एराइज हो तो हम देखेंगे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेसिक टीनेंस क्या है, किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड है। जैसे आप देखेंगे आंसर इनका सही है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर के कारण ही ड्यूअल गवर्नमेंट आया, दोहरी सरकार क्यों आई, पावर का डिवीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसलिए ड्यूअल गवर्नमेंट आया। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्यों आया, पावर का डिवीजन है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में, स्टेट गवर्नमेंट कहे कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में, तो कौन डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, वो भी डिवीजन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में ही आता है। बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म में एक हाउस जो होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, ये पॉपुलेशन के बेसिस पर उनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड होता है, और एक फेडरल प्रिंसिपल के आधार पर सभी राज्यों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है राज्यसभा में। जैसे अमेरिका में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इक्वल नहीं है, पॉपुलेशन बेसिस पर है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि राज्यों को एसोसिएट किया जाए, जिससे कि राज्य के हित को, डिवीजन ऑफ पावर को, राज्य का जो पावर है उनको वह प्रोटेक्ट कर सके। तो आप देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर के इर्द गिर्द ही सारा कुछ घूमता है।
एवरीथिंग मूव्स अराउंड डिवीजन ऑफ पावर। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा अगर टीजर क्वेश्चन है आपके पास में, तो आप देखेंगे इसका क्रक्स क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखने में कितना सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन ये आंसर देना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि चारों ऑप्शन आपका सही है। समझ रहे मेरे बात को? अब आइए फिर दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। बेसिक रीजंस causes behind the revolt of 1857. Basic reasons causes behind the revolt of 1857. इनको समझने की कोशिश करें। मैं दे रहा हूं ऑप्शन ए, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी ऑफ डलहौजी, स्टॉपेज ऑफ पेंशन टू नाना साहब, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ग्रीज्ड कार्टेज विथ फैट्स ऑफ कॉ एंड पिग। अब भाई डॉक्ट्राइन नाना साहब, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी ऑफ डलहौजी, डलहौजी की हड़प की नीति, नाना साहब को पेंशन रोक दिया गया था, आर्थिक शोषण और नया इनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके कारतूस में शुगर और कॉ, पिग एंड कॉ, शुगर और गाय का फैट्स ग्रीज था, उनको दांत से काट कर करके फिर जो है कि लोड करना पड़ता था। अब बताएंगे कि इसमें क्या सही ऑप्शन है, सही आंसर है, आप बताएंगे ए बी सी डी। आप नो 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 वन 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 ऑप्शन राइट, यस गो अहेड डी, आप डी, आप जितेंद्र, पार्डन डी, आप सुमित, आप विजय, पार्डन आप डी, आप डी, आप आंसर राइट आंसर इज सी। देखिए कि सभी सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। जहां तक ग्रीज कार्टेज विथ फैट्स ऑफ कॉ एंड शुगर, ये इमीडिएट काउज था, तत्कालीन कारक था। ठीक है, रिवोल्ट का तत्कालीन कारक था, समझ रहे मेरे बात को, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के सेंटिमेंट के अगेंस्ट था, ये तत्कालीन कारक था। क्लियर, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट हड़प की नीति के तहत डलहौजी ने बहुत सारी टेरिटरी को हड़पा था, उसे जो है कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उसमें पंडित को देसी राजा रजवाड़ा सब क्या करता था, दान में जमीन देता था, उस पर टैक्स नहीं लगती थी, मौलवी को दिया जाता था, मंदिर और मदरसा सबको वैसे जमीन दिया जाता था, ये जमीन जो है कि हट गई, वहाँ का जो इंडिजीनियस सोल्जर्स था वह भी जो है कि बेकार हो गया। आगे जो है कि आप देखेंगे पिंडारी मूवमेंट चला था, पिंडारी मूवमेंट के पीछे भी एक कारण ये था, यहाँ पर भी ये लोग जो है कि इकोनॉमिकली डिससैटिस्फाइड हो गए थे। ठीक है,
नाना साहब का पेंशन जो एक रोक दिया गया था, इकोनॉमिकली उनको डिप्राइव्ड कर दिया गया। इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन आप देखेंगे कि इंडिया का जो इंडिजीनियस कॉटेज इंडस्ट्री था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, हैंडलूम इंडस्ट्री था, उनको डेलिबरेटली सिस्टमेटिकली स्पॉइल कर दिया गया था, जिसके कारण ये सब जो कॉटेज इंडस्ट्री वाले वर्कर्स थे वो सारे एग्रीकल्चर पर चले गए थे, इनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन सोल्जर से बहुत कम सैलरी दिया जाता था, इकोनॉमिक काउजेज था, जिसके कारण सोल्जर में भी डिससेटिस्फेक्शन थी। ठीक है, और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट ये सब के वर्कर्स जो थे उनका भी डिससेटिस्फेक्शन था। तो सब कुछ किन के अराउंड मूव करता है? इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन, सारा एस्पेक्ट इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस तरह की क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ये सब टीजर क्वेश्चन। टीजर क्वेश्चन में आपको ब्रेन लगाना होगा, माइंड लगाना होगा, सोचना होगा। ठीक है, सोचना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, इनके बारे में भी आपको प्रिपेयर्ड होकर करके जाना होगा। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को? अब आइए हम लोग चलते हैं मेन एग्जामिनेशन में। हम लोग मेन एग्जाम में चलते हैं। सेकेंड स्टेज, मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन में आप देखेंगे इनको हम लोग ऐसे डिवाइड कर दें, चलिए पहले ए से लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर, जीएस, जीएस को चार पार्ट में आप डिवाइड कर दें, फर्स्ट पेपर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरमेंट कल्चर ये पढ़ना होगा, सेकेंड पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, थर्ड पेपर इकोनॉमी एंड साइंस टेक, साइंस टेक, फोर्थ पेपर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। हर एक पेपर आपका 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, ये हमारा मेन कैश स्कीम है। अब आइए कि ऐसे, यहाँ ऐसे से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे कैसे लिखा जाए। ठीक है, ऐसे कैसे लिखा जाए, देखिए कि ऐसे का अप्रोच और जनरल स्टडी पेपर का अप्रोच और कहिए ऑप्शनल का अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे का अप्रोच, जनरल स्टडी का अप्रोच और ऑप्शनल पेपर का अप्रोच थोड़ा हम लोग डिफरेंट करेंगे। ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पैराग्राफ बेसिस पर लिखें। ठीक है, पैराग्राफ पर लिखें। पहले
देखिए आपके ऐसे लिखने में आपको पर्याप्त समय मिलता है। पहले एक ऐसे पूछा जाता था, लास्ट 2 ईयर से दो दो ऐसे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे में आपको 3 आवर टाइम है, दो ऐसे लिखना है, पहले एक ऐसे लिखना पड़ता था, आपके पास में सफिशियंट टाइम है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज, जिस टॉपिक पर आप लिखने के लिए जा रहे हैं उसमें क्या क्या आप लिखेंगे, आपको जो बुकलेट दिया जाएगा उनका लास्ट पेज पर रफ का रफ पेज है, एक रफ पेज रहता है, उसमें टोटल सिनॉप्सिस बनाइए कि हम ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। टोटल सिनॉप्सिस बना लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। सोचिए उस पर, सिनॉप्सिस आपने बना लिया। उनके बाद ऐसे लिखने का डिफरेंट स्टाइल है। इंट्रोडक्शन आप इस तरह से लिखें, इस तरह से कैची, अट्रैक्टिव, कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई अपीली होनी चाहिए, थॉट प्रोवोकेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और आप जो लिखने के लिए जा रहे हैं पूरा मेन बॉडी में वह ऐसे में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। जो भी मेन बॉडी में आप लिखने के लिए जा रहे हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसे में। मान लीजिए ऐसे आप कोई स्टोरी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, या ऐसे जो है कि आप कोई कोटेशन, फेमस कोटेशन से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, कोई फेमस कोटेशन से, कोई ऐसे से, कोई स्टोरी से, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए ना वह रिफ्लेक्ट करे आपके पूरे मेन बॉडी को जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, पहले आप एक सिनॉप्सिस बना लेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, लास्ट पेज जो आपको मिलेगा। सेकेंड एस्पेक्ट, आप सोचिए कि हम किस तरह से इंट्रोडक्शन दें, कोई कोटेशन से स्टार्ट करें, कोई पोएम से स्टार्ट करें, या कोई स्टोरी से स्टार्ट करें, या बिना कोई स्टोरी से स्टार्ट करें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन इंट्रो जो होना चाहिए वह अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और इंट्रो आपको पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका फेस है, ठीक है। पहले हम लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं, उनके बाद देखते हैं कि उनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है, फेस है, तो फेस अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फेस होना चाहिए। इंट्रोडक्शन शुड बी अट्रैक्टिव। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि पूरा मेन बॉडी को रिफ्लेक्ट कर दे। और ध्यान में रखिएगा, इंट्रोडक्शन से ही मेन बॉडी इंटरलिंक्ड होना चाहिए, ठीक है, मेन बॉडी इंटरलिंक्ड होना चाहिए, हर एक पैराग्राफ इंटरलिंक्ड होना चाहिए इंट्रोडक्शन से। और एक पैराग्राफ में एक आइडिया दें आप, दूसरा पैराग्राफ में आप बढ़ रहे हैं तो दूसरा आइडिया दें, लेकिन पहले पैराग्राफ से वह इंटरलिंक्ड होना चाहिए, ठीक है, पहले पैराग्राफ से वह इंटरलिंक्ड होना चाहिए। एक कोहेरेंसी फ्लो बननी चाहिए, अगर कोहेरेंसी नहीं बन रहा है, फ्लो नहीं बन रहा है, तो ऐसे में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, 60-70 ऐसे मार्क्स दे कर करके आपको छोड़ देगा। एक फ्लो बनना चाहिए, एक कोहेरेंसी बननी चाहिए, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से इंटरलिंक्ड होना चाहिए। अगर जरूरी है तो हेडिंग दीजिए, उनका सब हेडिंग भी दीजिए, हेडिंग दीजिए, सब हेडिंग दीजिए। और ऐसे में प्रायः टेबल, स्टैटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सब अवॉइड किया जाता है, ठीक है, इनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। और उनका कंक्लूजन जो आप लिखेंगे जो, वह क्या होना चाहिए, सजेस्टिव, फ्यूचरिस्टिक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कि आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, सजेस्टिव, फ्यूचरिस्टिक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, समझ रहे मेरे बात को, इस तरह की आपकी इश्यू होनी चाहिए, इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, पहले सिनॉप्सिस, फिर आई थॉट प्रोवोकेटिंग इंट्रोडक्शन, एंड मेन बॉडी शुड बी इंटरलिंक विद इंट्रोडक्शन, कोहेरेंसी शुड बी मेंटेन्ड, कोहेरेंसी रहनी चाहिए, लैंग्वेज में फ्लो होनी चाहिए, ग्रामेटिकली आप करेक्ट भी रहें, पर्टिकुलरली ऐसे पेपर में, ठीक है।
ग्रामेटिकली आप करेक्ट भी रहें। तो ये सारा स्ट्रेटजी आपको ऐसे के लिए होने चाहिए, समझ रहे मेरे बात को, ऐसे इस तरह से लिखेंगे। अब ये लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो आप लोग वैसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती है। प्रायः 99% स्टूडेंट जो है लैंग्वेज के लिए तैयारी कर करके नहीं जाता है। टेंथ स्टैंडर्ड का आपका इंग्लिश रहेगा, और कोई इंडियन लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में है कोई आप ऑप्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टूडेंट के लिए लैंग्वेज पेपर एग्जेम्प्ट कर दिया गया, केवल इंग्लिश जो है उनके लिए जरूरी है। लेकिन आप लोगों को एक 8th शेड्यूल का लैंग्वेज लेना होगा और इंग्लिश लेना होगा। ये 10th स्टैंडर्ड का होता है, क्वालिफाइंग होता है, 300 मार्क्स का होता है, और 33% मार्क्स आप लाइए। अगर आप 300 में 250 मार्क्स भी ले आएंगे तो वह आपके रैंक में ऐड नहीं होगा, ठीक है। इस लैंग्वेज पेपर पर बहुत ज़्यादा हमें एम्फेसिस नहीं देना है, ठीक है ना। अब आइए, अब आते हैं हम लोग जीएस में, जो आपको मेक और ब्रेक करेगा। जीएस ही आपको मेक और ब्रेक करेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जीएस ही मेक और ब्रेक करेगा। तो फिर जीएस की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम जीएस मेन की तैयारी करें। फिर आइए पहला पॉइंट, नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। नोट्स तैयार कीजिए, आप नोट्स बनाइए। जो चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं होलिस्टिक नोट्स बनाइए। उसमें जैसे मैंने प्रीलिम्स में बताया था कि आप एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड बुक को बेस बनाइए, और ध्यान में रहे बहुत ज़्यादा बुक मत पढ़िएगा। गो थ्रू वन बुक सेवरल टाइम्स इंस्टेड ऑफ सेवरल बुक्स वंस। एक बुक को बार 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 पढ़िए, उस पर कमांड कीजिए। लाइब्रेरी मत बना लीजिएगा, लाइब्रेरी बना लीजिएगा तो किताब के बोझ से ही आप दब जाएंगे। बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है। गो थ्रू वन बुक सेवरल टाइम्स, जब तक कि उस पर कमांड ना हो। उस बुक का सारा क्रक्स आप ले लीजिए चैप्टर बेसिस पर। अब देखिए कि कोई दूसरा बुक में, एक बुक पर आपका कमांड हो गया जो स्टैंडर्ड बुक है उस सेक्शन का, आपने उसका नोट्स बना लिया। अब जो है दूसरा बुक कंसल्ट करें, अगर देखते हैं कि कोई अच्छा चीज है तो उनको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। फिर करेंट अफेयर्स उनको ऐड कीजिए, न्यूज़पेपर मैगजीन से उनको ऐड कीजिए, ठीक है। वो नोट्स में आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप कहेंगे कि सारा बुक सारा मैगजीन इनको रिवाइज करेंगे, वह प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्योंकि मैं भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहा हूँ, कल तक मैं यहीं पर बैठता था, मैं भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है, ठीक है। और नोट्स आपने बनाया, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप फ्लो चार्ट बनाइए। लास्ट टेन ईयर्स का आप क्वेश्चन पेपर लीजिए। लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर में आप कीजिए क्या, चैप्टर को सेग्रीगेट कीजिए। मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, या साइंस टेक पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि पॉलिटी में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इकोनॉमी में किस किस। लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे करंट अफेयर से इंटरलिंक किया जा रहा है, इकोनॉमी में किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, कैसे करंट अफेयर से इंटरलिंक किया जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे पूछा जा रहा है, कैसे इंटरलिंक किया जा रहा है। तो ये आपको एक ग्लिम्प से ही दे देगा, एक ट्रेंड दे देगा। जो लास्ट 10 ईयर्स का आप क्वेश्चन लिखेंगे वह जो कि ट्रेंड दे देगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रीलिम्स में भी एक आपको ट्रेंड दे देगा। लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन आप उनको लिखिए, उनको बार बार पढ़िए, देखिए कि यूपीएससी कैसे ट्रेंड चेंज कर रहा है, कैसे स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है। उसी तरह मेन का क्वेश्चन को देखिए
कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, अब जो है कि कॉन्वेंशनल को करंट से लिंक कर दिया है, और नहीं तो अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है केवल करंट 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 कर देता है, और आपके थॉट परसेप्शन से कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं इनको, आपके इमेजिनेशन इनोवेशन उसके आधार पर वो इंटरप्रिटेशन किया जाता है। टॉपिक से लिंक रहेगा, लेकिन आपके ओपिनियन यहां पर आ जाएगा, आपका एनालिसिस आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक कर देगा, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक प्लस करेंट आस्पेक्ट से जो इनको लिंक किया जाएगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है आपका कि एक तो कुछ क्वेश्चन, अब बहुत कम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा आपको, मोस्टली क्वेश्चन करेंट आस्पेक्ट से होगा आपका, और उनके साथ साथ करेंट आस्पेक्ट और आपके थिंकिंग परसेप्शन से जोड़ करके उनको पूछा जाता है। ठीक है, आप किस तरह से उनको सोचते हैं, आपके ओपिनियन बेस्ड पर हो जाएगा, बहुत ही डायनामिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन बहुत डायनामिक होगी, तो वहां पर आपके परसेप्शन जो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर डायनामिक नेचर होता है। तो आप नोट्स बनाए, नोट्स बना लिए आपने, इनको लिखना है, हमें लिखना है हाउ टू राइट आंसर एंड टाइम मैनेजमेंट, दो एस्पेक्ट आ जाता है। पहले तो मैंने बताया कि नोट्स बनाइए आप, और 10 इयर्स का क्वेश्चन एसेस कीजिए, नोट्स बनाइए, और उनके बाद आंसर कैसे लिखा जाए। अब भाई आंसर लिखने में जैसे होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप कैसे दें, मेन बॉडी कैसे दें, मेन बॉडी कैसे दें, बैकग्राउंड जरूरी है या नहीं है, बैकग्राउंड कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उनके बाद क्वेश्चन विद डिफरेंट टैक्स, क्वेश्चंस विद डिफरेंट टैग्स, क्वेश्चन विद डिफरेंट टैग्स लाइक कमेंट, लाइक डिस्कस, लाइक एक्सप्लेन, लाइक इवेल्युएशन, लाइक क्रिटिकल इवेल्युएशन, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज और एनालिसिस, रिव्यू, इलुस्ट्रेट, टिप्पणी करें, विवेचन करें, व्याख्या करें, मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, परीक्षण करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, विश्लेषण करें, सौदाहरण वर्णन करें, इस टाइप का टैक्स रहेगा आपका। ठीक, इस टाइप की टैक्स रहेगा आपका।
कि किस किस तरह से ये लिखा जाना चाहिए। तो अब देखिए कि इंट्रोडक्शन, जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इंट्रोडक्शन क्या होता है, फेस होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन फेस होता है। मेन बॉडी में जो आप लिखने के लिए जा रहे हैं वह इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जो मेन बॉडी में आप लिखने के लिए जा रहे हैं वह इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और मेन बॉडी इंट्रोडक्शन से ही लिंक होना चाहिए। आप पॉइंट में लिखें या पैराग्राफ में लिखें, जिसमें लिखें, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पॉइंट्स में लिखें। तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, जो पूरे क्वेश्चन को एड्रेस कर दे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को एड्रेस करे, और मेन बॉडी इंट्रोडक्शन से लिंक होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी लिंक होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ रहे मेरे बात को, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है हमारा मेन बॉडी, नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है हमारा है मेन बॉडी। मेन बॉडी कैसे लिखना चाहिए, मैं आज तक 15 इयर्स में इस क्वेश्चन का 1000 टाइम्स आंसर दिया हूं कि मेन बॉडी कैसे लिखना चाहिए। दो परसेप्शन है कि मेन बॉडी कैसे लिखा जाना चाहिए, पैराग्राफ में और पॉइंट बेसिस पर, मेन बॉडी कैसे होनी चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, पैराग्राफ और मेन बॉडी पॉइंट बेसिस पर। देखिए पहले एग्जाम में 600 वर्ड्स में आंसर लिखना पड़ता था, वहाँ जो कि पैराग्राफिंग बेहतर था, पैराग्राफ पर आप लिखते सही था। अब आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, तो ऐसे केस में आप पैराग्राफ को अवॉइड कीजिए, ठीक है, जीएस का आंसर दें या ऑप्शनल सब्जेक्ट का आंसर दें, पैराग्राफ को अवॉइड करें। क्या होता है क्या कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि एक पॉइंट रहता है उसी को लंबा पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर देता है, एक पॉइंट है उनको खींचते रहता है खींचते रहता है, इसमें वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाता है और सब कुछ आप लिख नहीं पाते, ठीक है, वर्ड लिमिट भी एक्सीड कर जाता है और सब कुछ आप लिख नहीं पाते हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को बहुत लंबा चौड़ा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, आप करें क्या कि पूरे क्वेश्चन का आंसर दे करके आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें, पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख करके मार्क्स मैक्सिमाइज करें। एक क्वेश्चन में मान लीजिए बहुत अच्छा आपने लिखा, दूसरा क्वेश्चन सुपरफिशियल हो गया या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो आप मार्क्स मैक्सिमाइजेशन कैसे आपका होगा, सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन अच्छा नहीं हो रहा है, टाइम का क्राइसिस हो गया, तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपका कोशिश होना चाहिए कि हम सारे क्वेश्चन में का आंसर दे करके मार्क्स मैक्सिमाइज करें, समझ रहे मेरे बात को, सारे क्वेश्चन का आंसर दें। अब क्वेश्चन एक और आ जाता है कि जीएस में मान लीजिए एक दो क्वेश्चन आप नहीं जानते, तब आप क्या कीजिएगा, नहीं जानते तब जाकर के आप पहले एक बार पढ़ लीजिए कि कौन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, नहीं जानते, तब जो उसी के अकॉर्डिंगली आप टाइम एलोकेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है, टाइम एलोकेशन बढ़ा दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो अदरवाइज सारे क्वेश्चन को बैलेंस अप्रोच फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन में इमोशनल होकर करके आप ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए इमोशनल नहीं होना, हुआ मार्क्स मैक्सिमाइजेशन कीजिए पूरे का आंसर दे करके। अगर आप नहीं जानते हैं तब जो कि सारे क्वेश्चन में एक मिनट दो मिनट तीन मिनट जो कि आप ज़्यादा टाइम दे करके मार्क्स मैक्सिमाइजेशन कीजिए।
ठीक है, क्लियर, समझ रहे मेरे बात को? आपको आंसर देना है पॉइंट्स में, ठीक है, पैराग्राफ ऐसे में फॉलो कीजिएगा पॉइंट में, अदरवाइज आप लोग करते क्या है, एक ही पॉइंट को लंबा चौड़ा पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा एक टेम्पटेशन और होता है, टेम्पटेशन स्टूडेंट जब आंसर लिखता है ना, कभी कभी उनको कोई नया डाटा याद आ गया या कोई आर्टिकल याद आ गया, वो रिक्वायर्ड नहीं है तब भी वो उसमें इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करता है, जबरदस्ती उसमें इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करता है। आप लोग भी करते हैं ना, अगर कोई लिख रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाटा आपको याद है, कोई आर्टिकल याद है, वो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड है, तब भी जबरदस्ती आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, करते हैं आप भी करते हैं क्या? करते हैं, ये मत कीजिएगा, यूपीएससी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है, एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने का कोशिश मत कीजिए, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये ग्रेजुएशन का नहीं है आपका कि पेज भर दिए, 15-20 पेज भर दिए आपको जो है कि ज़्यादा मार्क्स आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे इस तरह की बात बोला है कि ग्रेजुएशन में पेज भरो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा, ये यूपीएससी में ये पेज भरने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है, ठीक है। इस टेम्पटेशन से भी, इस लालच से भी बची कि आपको कोई नया आर्टिकल आ गया याद आ गया, कोई नया डाटा याद आ गया, जबरदस्ती जरूरी नहीं है तब भी उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। पॉइंट में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, पॉइंट में आप नहीं कर सकते। अब जो ये क्वेश्चन का नेचर, न्यू पैटर्न जो यूपीएससी का है, क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा आ गया है कि इतने क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने वर्ड में आपको लिखना होता है, लगभग 4000 वर्ड्स में आपको 3 घंटा में लिखना आंसर। अगर आप थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट गलती हो जाएगी, तो आप सारे क्वेश्चन को टेकअप ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे सिचुएशन में क्या कर, ऐसे सिचुएशन में यूपीएससी जो है कि एक पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली टाइम नहीं है टाइम नहीं है तो जो जानते हैं आप वही लिखते हैं। तो मेन एग्जाम भी अभी एक पर्सनालिटी टेस्ट है, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तब जाकर के लिखेंगे, स्पॉन्टेनियसली जो आपके माइंड में आएगा आप वही लिखना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ लिखेंगे। तो मेन एग्जाम भी एक तरह का पर्सनालिटी टेस्ट हो गया है, इस कारण से आप देखते हैं कि मेन एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आता। आप देखेंगे 2013 का, 2013 की टॉपर थी हरिथा, उनको 53% मार्क्स है। 2014 का टॉपर है गौरव अग्रवाल, उनको 48% मार्क्स है। 2015 का, 15 की टॉपर ईरा सिंगल है, उनको 53% मार्क्स है। केवल 5 स्टूडेंट ही इस बार 50% प्लस मार्क्स लाए, स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देना है, और सारे क्वेश्चन पर आप जो है टाइम ज़्यादा दे करके सोच नहीं सकते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली जो है कि आपका सब कुछ जो है कि निकल कर करके आएगा जो आप जानते हैं। और ये बात भी ध्यान, एक बात और ध्यान में रखिएगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि कुछ क्वेश्चन यूपीएससी लास्ट फ्यू इयर्स में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी कुछ क्वेश्चन इस तरह का उल्टा सीधा पूछता है कि मोर देन 90% स्टूडेंट नहीं जानता है। साइंस टेक में कुछ क्वेश्चन ऐसा उठपटांग पूछ देगा, इकोनॉमी में पूछ देगा, आर्ट एंड कल्चर में पूछ देगा, इस तरह का उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि आप उनका आंसर नहीं दे सकते। बहुत कम लोग जो है उस तरह का क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, इसलिए पहले फोकस किस पर कर दीजिए, कॉन्वेंशनल क्वेश्चन पर, जहाँ से क्वेश्चन आता है उनको पकड़ने के लिए आप अगर जाएं क्वेश्चन को, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसमें वेस्ट कर रहे हैं। उससे कम टाइम अगर इसमें देंगे कॉन्वेंशनल एस्पेक्ट, करेंट एस्पेक्ट में, तो आप उससे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर आते हैं, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, पैराग्राफ को अवॉइड करें,
पॉइंट्स में लिखें, हेडिंग दें, सब हेडिंग दें, फ्लो चार्ट दें, टेबल दें अगर जरूरी है, ठीक है, टेबल दें, और अगर पैराग्राफ लिखना हो तो एक छोटा सा पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, फिर छोटा सा पैराग्राफ उनको लिंक कर करके पॉइंट पॉइंट पॉइंट, फिर छोटा सा पैराग्राफ लिंक कर करके पॉइंट पॉइंट पॉइंट, उनको जस्टिफाई करने के लिए। तो इससे आप कम वर्ड में विद इन वर्ड लिमिट, विद इन टाइम लिमिट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन बॉडी आपका जहाँ तक जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैं बोलूँगा छोटा सा पैराग्राफ पॉइंट पॉइंट पॉइंट, छोटा सा पैराग्राफ पॉइंट पॉइंट पॉइंट, और अदरवाइज पॉइंट पॉइंट में ही लिखते जाओ, हेडिंग सब हेडिंग कर करके पॉइंट पॉइंट में लिखते जाओ। अगर टेबल है तुम्हारे पास में, फ्लो चार्ट है तो दो, अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है तो फ्लो चार्ट, टेबल, डेटा ये सब दो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत दो। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर, मेन बॉडी हो गया। अब आ जाओ बैकग्राउंड, मीन्स सिंपली इवोल्यूशन, कुछ कुछ क्वेश्चन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, अगर उनको जस्टिफाई करने के लिए हमें जरूरी है, मान लो कि क्वेश्चन का नेचर है डिस्कस एक्सप्लेन, और उनको जो है कि जस्टिफाई करने के लिए अगर बैकग्राउंड की जरूरी होती है तो बैकग्राउंड दो, अदरवाइज बैकग्राउंड को अवॉइड करो। समझ रहे हो? बैकग्राउंड को अवॉइड करो। तो अगर क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए अगर बैकग्राउंड की जरूरी है तो हम बैकग्राउंड देंगे, अदरवाइज इनको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट कंक्लूजन, जब कंक्लूजन लिखोगे कुछ पॉइंट ध्यान में रखना, योर कंक्लूजन शुड बी सजेस्टिव, सलाहकारी होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो ये चार पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, चार पॉइंट सजेस्टिव, जो आपने ऊपर लिखा है कोई सजेशन आप देना चाहेंगे, फ्यूचर सोसाइटी में इनकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, भविष्य में पॉजिटिव, जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो मार धार दंगा फसाद वाली मूवी होती है, उनके बाद भी, उनके बावजूद भी लास्ट में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है ना, लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपका क्वेश्चन में हैप्पी एंडिंग ही होना चाहिए, नेगेटिव नोट से क्वेश्चन को फिनिश नहीं कीजिए, नेगेटिव एस्पेक्ट से क्वेश्चन को फिनिश नहीं कीजिए, ये क्या होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। नेगेटिव एस्पेक्ट में आप इनको फिनिश नहीं करेंगे, हैप्पी एंडिंग, फील गुड। लेकिन कोई देखे, मैं जो भी टेक्निक आपको बता रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैलाश मिश्रा का टेक्निक जो है कि बेस्ट टेक्निक है, ऐसा मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं 25,000 स्टूडेंट से ज़्यादा को पढ़ाया है, तो कौन स्टूडेंट कैसा लिखा उसके बेसिस पर वह अच्छा परफॉर्म किया, कैसा लिखा घटिया परफॉर्मेंस किया, तो मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ दिस इज बेस्ट अप्रोच, कि मैं जो दे रहा हूँ वही सही है, नहीं, आप अपना भी माइंड अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन मैं अपने 25,000 स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद जो कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ कि कौन स्टूडेंट क्वालिफाई किया है, उनको कितना मार्क्स आया है, नहीं आया है, किस पैटर्न पर वह आंसर लिखा है, नहीं लिखा है, उसी को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इनको ये मान लेना कि यही बेस्ट अप्रोच है, इनके अलावा कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है, ये कम्प्लीटली आपका रॉन्ग परसेप्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन जो देंगे, सॉल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम के बेसिस पर लिख रहे हैं, सोशल इश्यूज में लिख रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए, कंक्लूजन शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट, कंक्लूजन शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। नाउ कंक्लूजन आपने समझ लिया, कंक्लूजन समझ लिया, अब आइए लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए।
लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मैं अपने सारे स्टूडेंट को एक स्टोरी सुनाता हूँ हमेशा, हर एक ईयर में जो भी मेरे पास में नया स्टूडेंट आता है ना, मैं उसे एक स्टोरी बताता हूँ कि दो पंडित जी थे, एक राजा के यहाँ गए और एक पंडित जी ने राजा को कहा कि राजा साहब, आपका बेटा बेटी पतोहू सभी आपके सामने मर जाएगा। राजा गुस्सा हो गया, वो कहा कि ये जाली पंडित है, इनको जेल में बंद कर दो। ठीक है, फिर दूसरे दिन कुछ दिनों के बाद एक और पंडित जी आए, राहुल जैसे। ठीक है ना, पंडित जी आए और कहते हैं क्या कि राजा साहब, राजा साहब बधाई हो बधाई, आप अपने परिवार में सबसे अधिक दीर्घायु हैं। राजा खुश हो गया, उस पंडित को अवार्ड दे दिया। दोनों पंडित ने एक ही बात कहा था, आप अपने परिवार में सबसे, महाराज बधाई हो बधाई, आप अपने परिवार में सबसे अधिक दीर्घायु हैं, यानी कि आपके सामने सारा मर जाएगा। दूसरा पंडित ने क्या कहा, आपका बेटा बेटी पतोहू सभी आपके सामने मर जाएगा। उनको गुस्सा आ गया, लैंग्वेज, भाषा, लठमार भाषा नहीं होनी चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो सबको समझ में आ सके। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का यूज मत करें, कॉम्प्लिकेटेड आइडियम्स, फ्रेज, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सबको अवॉइड कीजिए। सिविल सर्विस एग्जाम में एक्सट्रीम कभी भी रिक्वायर्ड नहीं है, पब्लिक लाइफ में एक्सट्रीम कभी भी रिक्वायर्ड नहीं है, बी मॉडेस्ट। अब मान लीजिए कि सभी रेडियो समझता है, रेडियो लिखे यहाँ पर, आकाशवाणी लिखने की कोई जरूरी नहीं है, सभी अगर टेलीविजन समझता तो दूरदर्शन लिखने की कोई जरूरी नहीं है, सभी अगर स्टेशन समझता है तो धूम्र सटक विश्रामालय लिखने की कोई जरूरी नहीं है। बी सिंपल, बी सिंपल। तो यहाँ पर लैंग्वेज सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए, और हैंड राइटिंग जो होता है वह ऐसा जरूर होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। हैंड राइटिंग ऐसा जरूर होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अदरवाइज आप लोग करते क्या है कि जब लास्ट क्वेश्चन में आप लोग पहुंच जाते हैं, पांचवा क्वेश्चन में, तो इस तरह से आप लोग लिखते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आपको बैठा दिया जाए कि तुम पढ़ो, तुमने लिखा क्या है, तो तुम खुद नहीं पढ़ पाओगे। जब मैं ये क्वेश्चन मैं चेक करता हूँ, मैं इनका आंसर जब स्टूडेंट मुझे लिख कर करके देता है, मैं चेक करता हूँ, तो मैं एग्जामिनर का साइकोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि तो मैं बराबर जो कि क्वेश्चन चेक करते रहता हूँ, आप लोगों की टेस्ट होती है। तो सबसे डिफिकल्ट काम क्वेश्चन चेक करना होता है। आपके सामने खड़ा होकर के लेक्चर देना इजी है, लेकिन क्वेश्चन चेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? कि आप लोग जो फिफ्थ क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों ने लिखा क्या है। ठीक है, अधिकांश स्टूडेंट का समझ में नहीं आता है, लिख दो जो लिखना है लिख दो, ये एग्जामिनर का हेडेक है। ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आए तो समझ में आए, नहीं आए तो नहीं आए, उनका गलती है, तुम लोगों का गलती तो है नहीं, ऐसा मत करना। बैलेंस टाइम, बैलेंस अप्रोच रखना, हैंडराइटिंग लेजिबल जरूर होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन विद डिफरेंट टैक्स, कि अगर हमारा क्वेश्चन आ गया कि टिप्पणी करें, कमेंट करें, कमेंट में आप लोग क्या करें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, ब्रीफ इंट्रो दें, इंट्रो दें, उससे मेन बॉडी को लिंक करें, मेन बॉडी को लिंक करें, डिफरेंट पैराग्राफ में बांटें, ए बी सी डी डिफरेंट पैराग्राफ में बांटें, फिर जो है कि इनका क्रिटिसिज्म दे दें,
इनको भी डिफरेंट पैराग्राफ में बांटें, ए बी सी डी डिफरेंट पैराग्राफ में बांटें और एक छोटा सा कंक्लूजन दे दें, छोटा सा कंक्लूजन दे दें, कंक्लूजन दे दें। और मेन बॉडी, मेन बॉडी में यहाँ पर इनका मेरिट दीजिए या अप्लीकेबिलिटी दीजिए, अप्लीकेबिलिटी दीजिए, और ये रेफरल होना चाहिए, कोशिश करो इनको रेफरल करने का। रेफरल मतलब क्या हो गया कि रिफरेंस दीजिए। रिफरेंस जब मैं बोलता हूँ ना, मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हो, क्वेश्चन आया है पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति। हम लिखेंगे किसके ऊपर में, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में लिखेंगे, लेकिन इनको कंपेयर कर देंगे ब्रिटिश क्राउन से, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट इज टिटुलर और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक ब्रिटिश क्राउन। हम लिखेंगे इंडिया, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष जो होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है, जैसे ब्रिटिश क्राउन। रिफरेंस क्राउन, ये आपका डेप्थ स्टडी को, कंपेरेटिव स्टडी को डिनोट करता है। समझ रहे मेरे बात को? तो कमेंट में आप इस तरह की एस्पेक्ट देंगे। अब आइए कि नेक्स्ट एस्पेक्ट जब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट एस्पेक्ट करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम लोग करते हैं डिस्कस, डिस्कस एंड एक्सप्लेन का आप एक ही फॉर्मेट देंगे, एक ही फॉर्मेट फॉलो कीजिए। पहले दीजिए इंट्रोडक्शन, फिर इसमें बैकग्राउंड दे दीजिए, बेहतर माना जाता है बैकग्राउंड, फिर मेन बॉडी दीजिए, मेन बॉडी को डिफरेंट पैराग्राफ में बांटिए, फिर क्रिटिसिज्म दीजिए, आलोचना दीजिए, इनको भी डिफरेंट पैराग्राफ में बांटिए, फिर कंक्लूजन दीजिए, इन कंक्लूजन दीजिए, इनको बोलिए ए बी सी डी ई। ध्यान में रखना ए प्लस बी प्लस ई 20% वर्ड से ज़्यादा नहीं देना, यानी कि इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड और कंक्लूजन 20% से ज़्यादा वर्ड में नहीं होना चाहिए, सी 60% वर्ड में देना, डी 20% वर्ड्स में देना। यानी कि हम फोकस कहाँ पर कर रहे हैं, मेन बॉडी पर, ठीक है, मेन बॉडी पर फोकस कर देंगे। इसमें 1:3:1 का रेशियो फॉलो करना, 1:3:1 का रेशियो फॉलो करना। और साथ साथ देखो कि मैंने क्या बताया था कि इंट्रोडक्शन हमें ऐसा लिखना चाहिए कि वह पूरा मेन बॉडी को रिफ्लेक्ट करे, तो इंट्रोडक्शन से हम मेन बॉडी को लिंक करेंगे, मेन बॉडी को लिंक करेंगे। अब जो हमने मेन बॉडी में लिखा है सी पैराग्राफ में, उसी का क्रिटिसिज्म देंगे, ए का ए पैराग्राफ में, ए का बी पैराग्राफ में, सी का सी पैराग्राफ में, डी का डी पैराग्राफ में, ठीक है, इस तरह से फॉलो करना। अगर पॉइंट बेसिस पर लिख रहे हो तो सारा मेन बॉडी में पॉइंट दे देना, और क्रिटिसिज्म में भी उनका सारा पॉइंट पॉइंट में दे देना। समझ रहे मेरे बात को? क्लियर, कोई ऑब्जेक्शन यहाँ तक में? आइए अब आप देखेंगे कि अगर हम इवेल्युएशन में आते हैं, अगर हम इवेल्युएशन में आते हैं तो हमारा कैसा होना चाहिए, इवेल्युएट करना हमें, इवेल्युएट करना हमें। इवेल्युएशन एंड एग्जामिन का पैटर्न एक फॉलो करना, एक पैटर्न फॉलो करना इवेल्युएशन एंड एग्जामिन का। इसमें करना क्या है, फॉर्मेट देखो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसमें पहले इसमें इंट्रो दो, नो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं देना,
मेन बॉडी दो, मेन बॉडी दो, इनको डिफरेंट पैराग्राफ में बांटो और उसमें फैक्ट दो और उनका मेरिट दो, फैक्ट प्लस मेरिट, मेरिट या यूज या इम्पोर्टेंस या अप्लीकेबिलिटी, अप्लीकेबिलिटी ये दे दो सारे पैराग्राफ में, फैक्ट उनका मेरिट यूज इम्पोर्टेंस अप्लीकेबिलिटी सारे पैराग्राफ में यही फॉलो करो। इसमें क्रिटिसिज्म मत दो, नो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मत दो, कंक्लूजन दो। अगर देखो कि अगर इसमें ये ऐड कर दिया गया क्रिटिकल इवेल्युएशन, अगर क्रिटिकल टर्म यहां पर ऐड कर दिया गया या यहां ऐड कर दिया गया क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन अगर ये ऐड कर दिया गया, क्रिटिकली यहां पर ऐड कर दिया गया या इवेल्युएशन से पहले क्रिटिकल इवेल्युएशन ऐड कर दिया गया, तो इसके साथ साथ डिमेरिट भी इनका दे दो, ऐड कर दो डिमेरिट ऐड कर दो या क्रिटिसिज्म ऐड कर दो। अगर क्रिटिकल दिया गया है तो ये ऐड करेंगे, क्रिटिकली दिया गया है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरे बात को? या तो उस पैराग्राफ के साथ ही क्रिटिसिज्म दे दो या सेपरेट क्रिटिसिज्म दे दो, या सेपरेट क्रिटिसिज्म दे दो। अगर यहां पर क्रिटिकल या क्रिटिकली ऐड किया गया है तो आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक परीक्षण किया गया, तब जो हम डिमेरिट को भी क्रिटिसिज्म को भी ऐड करेंगे। क्लियर? समझ रहे हो मेरे बात को? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग इवेल्युएशन, क्रिटिकली इवेल्युएशन, एग्जामिन तक कर लिए हैं। अब हमारा बचता है एनालिसिस एंड रिव्यू। एनालिसिस एंड रिव्यू, लाइट ऑन कर देना इधर। एनालिसिस एंड रिव्यू, एनालिसिस विश्लेषण या रिव्यू, इनका फॉर्मेट देखना। ये सबसे अहम टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम एनालिसिस और रिव्यू करते हैं। इसमें थोड़ा बात ध्यान में रखना कि योर अप्रोच शुड बी रियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट, योर अप्रोच शुड बी डेमोक्रेटिक, योर अप्रोच शुड बी फाइंड आउट द हिडन इंटेंशन, हिडन इंटेंशन, फाइंड आउट द हिडन इंटेंशन, ये बात को ध्यान में रखना। जब हम रियलिस्ट बोलते हैं तो एक कोट को याद रखना कि नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन द इंटरनेशनल रिलेशन, ओनली इंटरेस्ट प्रिवेल्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट पारामाउंट होता है। नेशनल इंटरेस्ट पारामाउंट होता है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट पारामाउंट है। एग्जाम्पल से समझो, कोल्ड वॉर पीरियड में इंडिया एंड यूएसएसआर का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया का झुकाव चाइना की तरफ हो गया, इंडिया का झुकाव अमेरिका की तरफ है। रशिया ने अमेरिका के प्रेशर में आकर के इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से रिफ्यूज कर दिया था,
ठीक है, दोस्ती कहाँ गई? यानी कि दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रही, खत्म। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट फो नहीं होता, एनिमी नहीं होता, नेशनल इंटरेस्ट इज द पैरामाउंट, राइट? बी रियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट। नेशनल नेशनलिस्ट आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। देखिए आईआर में अगर आप आंसर लिखेंगे, एनालिटिकल आंसर है, देखिए कि मॉरेलिटी, वैल्यू, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल, एथिक्स, ये सब सब्सिडरी एस्पेक्ट होता है। इसका इम्पोर्टेंस है लेकिन सब्सिडरी इम्पोर्टेंस है, प्राइमरी इम्पोर्टेंस नहीं है। मॉरेलिटी, एथिक्स, वैल्यू, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल, ये सब का इम्पोर्टेंस है बट सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, पॉइंट ऑफ व्यू नोट है। सेकेंडरी जब मैं बोलता हूँ, देखो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, भाई भाई, लोकतंत्र लोकतंत्र, भाई भाई, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर पीरियड में लोकतंत्र कहाँ गया था? हमेशा अमेरिका आर्म ट्विस्टिंग करता था इंडिया का, कहाँ गई थी डेमोक्रेसी? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, रशिया यूएसएसआर सोशलिस्ट कंट्री, इसमें दोस्ती थी, ठीक है ना? चाइना सोशलिस्ट कंट्री, अमेरिका लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें दोस्ती थी, वैल्यू कहाँ गया था? अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अदरवाइज। इन केस ऑफ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट देन देर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है? उसका वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वहां। अगर हमारा इंटरेस्ट सिमिलर है, आइडेंटिकल है, समान है, तो वैल्यू जो है कि सीमेंटिंग फोर्स का काम करता है, सीमेंटिंग फोर्स का काम करता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है? नेशनल इंटरेस्ट इज द पैरामाउंट गाइड, इज द सुप्रीम गाइड। तो ये याद रखना, जब एनालिटिकल लिखोगे दैट इज रियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट, सेकेंड डेमोक्रेटिक। जब मैं डेमोक्रेटिक बोलता हूं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, डेमो एंड क्रेट, डेमो मीन्स पीपल, क्रेट मीन्स रूल, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल और पीपल्स रूल, राइट? डेमोक्रेसी में कहा जाता है वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, ठीक है? और हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं, हम लोग लोकतंत्रीय देश के नागरिक हैं, तो हमारी सरकार जो लॉ बनाती है हमें उसी के अनुसार काम करना है। मान लीजिए कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कम्युनिस्ट की सपोर्टर हैं, एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्टर हैं, लेकिन जिनको जनता मेजोरिटी दी है, जिनको जनता चुना चुन करके भेजी है, वह जो भी लॉ फ्रेम करे, आप एग्री रहें या डिसएग्री रहें, एज अ पब्लिक सर्वेंट ये आपका ड्यूटी है कि उस लॉ का आप क्रिटिसिज्म ना करें, उनको जो है कि आप ऑनेस्टली होल हार्टेडली इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? होल हार्टेडली इम्प्लीमेंट करें, आप उसे लाइक करें या नॉ लाइक करें, लेकिन जनता जनार्दन उनको चुन करके भेजी है, इसलिए आप उनके द्वारा फ्रेम की गई लॉ, उनके द्वारा फ्रेम की गई पॉलिसी को फॉलो करें, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि देखिए आप इसी सिस्टम में जा रहे हैं, एज अ ब्यूरोक्रेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आपकी अहम भूमिका है, आप उसी सिस्टम में जा रहे हैं, उस सिस्टम का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कहाँ तक जस्टिफाइड है, ठीक है? तो आपका अप्रोच प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए, एंटी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट? आपका अप्रोच प्रो गवर्नमेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप उसी में जा रहे हैं, उसी सिस्टम का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं, आप उसी, आप ही के द्वारा वह पॉलिसी फ्रेम भी किया जाएगा और इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। तो ऐसे केस में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं? अप्रोच शुड बी प्रो गवर्नमेंट, नाउ डेमोक्रेटिक
you have already understood. Now come to the point. Find out the hidden intention. Hidden intention. एक हिंदी में गाना सुने होंगे ना अपना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सुने या नहीं सुने? तो दैट इज हिडन इंटेंशन, नहीं समझे होंगे। अगर बराक ओबामा इंडिया आते हैं और कहते हैं कि इंडिया इज नॉट राइजिंग पावर बट इंडिया हैज एराइजन, ये इंडिया राइजिंग पावर नहीं है बल्कि राइज हो चुका है, ठीक है, हिडन इंटेंशन क्या है बराक ओबामा का? ठीक है, अगर वह इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो उनका हिडन इंटेंशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की एग्रीमेंट होती है, वो एग्रीमेंट तो सही है, एग्रीमेंट हुआ दैट इज फैक्ट, एग्रीमेंट है, इतने बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ, दिस इज फैक्ट। उनका इम्प्लीकेशन जापान पर क्या होगा, चाइना पर इनका इम्प्लीकेशन क्या होगा, एशिया पर क्या इम्प्लीकेशन होगा, इंडिया का अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन ग्रो होगा, इंडिया का चाइना के साथ कैसे रिलेशन डिटोरिएट हो सकता है, इसका इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा? ठीक, जैसे जैसे आज से कुछ दिन पहले यूएस डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया आया और इंडिया प्रिंसिपली लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए तैयार हो गया कि इंडिया अमेरिकन बेस को यूज कर सकता है और अमेरिका इंडिया के मिलिट्री बेस को यूज कर सकता है। ये तो फैक्ट है, इनका जब एनालिसिस दीजिएगा तो इनका इम्पैक्ट चाइना पर क्या होगा, जापान पर क्या होगा, एशिया पर क्या होगा, यूरोपियन कंट्री पर क्या हो सकता है, पाकिस्तान पर क्या हो सकता है, अफगानिस्तान पर क्या हो सकता है, वह दिखाना होगा। ये फैक्ट नहीं कि मिस्टर कार्टर ने ये बात बोला, नो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज हिडन इंटेंशन, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन, राइट, व्हाट्स इट्स इम्प्लीकेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे मेरी बात को? तो जब हम हिडन इंटेंशन बोलते हैं ना, तो वही कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, देखिए कि उसका कोई स्टेटमेंट का हिडन इंटेंशन क्या है, उनका इम्प्लीकेशन क्या है, दैट इज एनालिसिस, दैट इज हिडन इंटेंशन। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा हिडन इंटेंशन क्या है कि पहले तो आप मेरा फी पे करेंगे, दूसरा जो है कि फी पे करने के बाद आप आईएएस आईपीएस बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे तो उससे मैं कहूँगा कि मेरा स्टूडेंट आईएएस आईपीएस है, ठीक है, तो आपके रिजल्ट से इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएगा, मेरे दोनों हाथ में लड्डू नहीं, चारों हाथ में लड्डू, मेरा हिडन इंटेंशन आपका रिजल्ट है, ठीक है, हिडन इंटेंशन, समझ रहे हैं मेरे बात को? केवल ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ आपने मुझे फी पे किया, नो आई हैव हिडन इंटेंशन कि आप मुझे रिजल्ट दे दीजिए, इससे इंस्टीट्यूट की नेम फेम ग्लोरी पावर प्रेस्टीज सब कुछ बढ़ेगा, हिडन इंटेंशन। जब दो डिप्लोमेट मिलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तो उनका हिडन इंटेंशन होता है, केवल एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इंटेंशन, समझ रहे हैं मेरे बात को? क्लियर, फैक्ट तो आप देख रहे हैं, हिडन इंटेंशन, क्लियर। तो जब एनालिटिकल आंसर देंगे या रिव्यू देंगे तो फॉर्मेट में इंट्रो दीजिए, बैकग्राउंड इफ नेसेसरी, बैकग्राउंड इफ नेसेसरी नॉट अदरवाइज, नेसेसरी अदरवाइज नहीं दीजिए बैकग्राउंड, मेन बॉडी दीजिए, इनको डिवाइड कीजिए डिफरेंट पार्ट्स में, फैक्ट दीजिए, उनका हिडन इंटेंशन दीजिए, फैक्ट दीजिए, हिडन इंटेंशन दीजिए, फैक्ट दीजिए, हिडन इंटेंशन दीजिए, नो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म इफ रिक्वायर्ड नॉट अदरवाइज, क्रिटिसिज्म इफ रिक्वायर्ड, जरूरत हो तो दें नहीं तो नहीं दें, गिव कंक्लूजन, ये आगे समझ रहे मेरे बात को?
अगर एनालिटिकल दे एनालिसिस रहे तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उनके बाद इलुस्ट्रेट, अगर हमारा इलुस्ट्रेट रहता है या सौदाहरण वर्णन करने के लिए रहता है तो हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इलुस्ट्रेट का क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे नाम से ही है, फॉर्मेट इनका कैसे बनेगा, पहले इंट्रो दें, नो बैकग्राउंड, मेन बॉडी दें, इनको डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में, फैक्ट दें, प्लस कॉन्टेम्प्रोरी रिलीवेंट एग्जाम्पल्स, फैक्ट दें, कॉन्टेम्प्रोरी रिलीवेंट एग्जाम्पल्स, फैक्ट दें, कॉन्टेम्प्रोरी रिलीवेंट एग्जाम्पल्स, देन कंक्लूजन। कंक्लूजन फैक्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, नेशनल इंटरेस्ट पारामाउंट गाइड होती है। जैसे एग्जाम्पल कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया ने इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया, एग्जाम्पल हो गया। सब्सटेंशिएट हमने कर दिया कि नहीं कर दिया, मान लीजिए कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, एग्जाम्पल दिस 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 दिस, इंडिया और चाइना का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, दिस दिस दिस, दे सकते हैं एग्जाम्पल, दे सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, समझ रहे मेरे बात को। तो ये आ गया, अब आते हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन इंटरव्यू पर, दैट इज द लास्ट डायमेंशन। इंटरव्यू 275 मार्क्स, 275 मार्क्स इंटरव्यू। देखिए कि इंटरव्यू 275 मार्क्स का नहीं है, यूपीएससी इंटरव्यू का मार्क्स जो है कि फिक्स किए 275, लेकिन ये 275 मार्क्स का नहीं है इंटरव्यू। कहिए क्यों? यही इंटरव्यू जो है कि आपका डेस्टिनी को डिवाइड करती है, डिसाइड करती है, रैंक को डिसाइड करती है, और इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा मार्क्स भी ला सकते हैं। मेन में जो है कि मेन में एग्जामिनर जो है वह कंजूस है थोड़ा, इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर होते हैं ना थोड़ा लिबरल है, ऐसा समझ लीजिए। नहीं, देखिए कि मेन में ये एक फन था, ये फन था, मेन में प्रायः रिसेंट ट्रेंड देखेंगे स्टूडेंट, यूपीएससी बहुत कम मार्क्स देती है, मेन एग्जाम में बहुत कम मार्क्स मिलता है स्टूडेंट को, 50% रेयरली क्रॉस कर पाता है, 50% मार्क्स रेयरली क्रॉस कर पाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हरिता कुमार को 53% मार्क्स था जब वह टॉप कर गई, गौरव अग्रवाल को 48% मार्क्स था, टॉपर था 48% पर, और ईरा सिंगल को 53% मार्क्स है, वह टॉप कर गए। तो इनका मतलब है, और लास्ट कट ऑफ का पैटर्न अगर आप देखते जाएंगे तो देखेंगे कि यही मार्क्स मिलता है, 40-42-50% के बीच में ही रेंज होता है, ठीक है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो मेन क्वालिफाई करता है ना, उसके मेन के मार्क्स में वेरिएशन बहुत कम होता है, जो मेन क्वालिफाई किया ना उसमें वेरिएशन बहुत कम होता है, हार्डली 10-15-20-25 ऐसे मार्क्स का वेरिएशन होता है लास्ट कट ऑफ और
टॉपर, जो मेन का टॉपर है, लास्ट कट ऑफ है, उसमें वेरिएशन जो है कि बहुत कम होता है। और इंटरव्यू में मार्किंग, अगर आप अच्छा आंसर दे रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इंटरव्यू में 60%, 70%, मोर देन 50% आप इजीली ले आइएगा इंटरव्यू में। और अगर आप अच्छा आंसर दे रहे हैं तो मोर देन 60%, 70% भी ले आए, 70% से भी आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। मेरे एक स्टूडेंट को 225 मार्क्स मिला, मेरा एक स्टूडेंट सादिक था, उनको 210 मार्क्स मिला। तो आप देखेंगे कि इंटरव्यू में आप 70% प्लस मार्क्स भी ले आ सकते हैं, लेकिन मेन में 70% प्लस मार्क्स सोचिए भी मत कि आपको 70% प्लस मार्क्स आएगा, बिल्कुल नहीं। आप गलत सोच रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप गलत सोच रहे हैं कि आपको 60% मार्क्स भी आएगा, 70% की बात तो दूर सोचिए। लेकिन इंटरव्यू में आप इजीली 60% प्लस मार्क्स ले आइएगा, और यही जो वेरिएशन जो है इंटरव्यू का मार्क्स का, वही आपके रैंक में वेरिएशन ला देता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लिए तो रैंक आपका ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मेन कटअप में जो डिफरेंस कम होता है, इंटरव्यू में मार्किंग पैटर्न अच्छा होता है, ज़्यादा मार्क्स देते हैं। अगर आप अच्छा आंसर दे रहे हैं, इंटरव्यूअर्स को आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो आपका रैंक ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि 275 मार्क्स का इंटरव्यू नहीं होता है, बल्कि ये आपके रैंक को डिसाइड करता है, आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है कि आप आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ग्रुप ए, ग्रुप बी में कहाँ जाएंगे, ये इंटरव्यू जो है डिसाइड करता है, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इंटरव्यू को इग्नोर नहीं कर सकते तो सबसे पहले इंटरव्यू में क्या फोकस कीजिए, करेंट अफेयर्स, ठीक है। इंटरव्यू में मेनली क्वेश्चन करेंट अफेयर्स पैटर्न पर रहता है, पहला फोकस, फर्स्ट पॉइंट करेंट अफेयर्स, उस पर अपना ओपिनियन बनाइए, करेंट अफेयर्स पर ओपिनियन बनाइए। देखिए जो हमारे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ना, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे वो सभी जो है कि सीनियर पर्सन होते हैं, ठीक है, सीनियर पर्सन होते हैं। और आप लोग जैसे आप डिफरेंट कमिटी का रिपोर्ट पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लोग इस तरह की तैयारी तो करते नहीं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं, आपकी तरह वो तैयारी करते नहीं है। मेरे तरह सुबह से शाम तक इंटरनेट पर लग कर करके आप लोगों को मटेरियल देने का काम तो करते नहीं है, क्योंकि अगर मैं सुबह से शाम तक मटेरियल कलेक्ट करके आप लोगों को नहीं दूंगा तो इंस्टीट्यूट नहीं चलेगी, ठीक है। तो और आप लोग अगर अच्छी तरह से तैयारी नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, इसलिए हम दोनों के गला पर तलवार लटकता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, जितना कमेटी है, जितना रिपोर्ट है, जितने गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ जो है हम लोग रखते हैं। लेकिन इंटरव्यूअर सब जो वो बोरिंग कमेटी का रिपोर्ट, ये सब पर जो है बहुत ज़्यादा वो लोगों को याद नहीं रहता है। वो लोग जो है मेनली कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, करेंट आस्पेक्ट से, करेंट आस्पेक्ट जो है, कुछ कुछ जो है कि सब्सटेंशिएट कुछ कुछ याद भी रहता होगा, वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम जो है वो पढ़ते हैं, वो लोग उस पर फोकस नहीं करते। जितना भी स्टूडेंट को मैंने पूछा कि तुम्हें इंटरव्यू में क्या पूछा गया, तो सभी स्टूडेंट जो 90% मुझे क्वेश्चन जो मिला है ना लास्ट 5 to 10 years का, सारा क्वेश्चन करेंट आस्पेक्ट से, सारा नहीं कहिए, मोर देन 90% क्वेश्चन करेंट आस्पेक्ट, कॉन्वेंशनल आस्पेक्ट से कहिए 10% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको करंट 3-4 महीने का करंट अफेयर्स पर पूरी तरह से पकड़ होना चाहिए, और उस पर आप अपना ओपिनियन बेस्ड कीजिए। मेन का मोर देन 70% क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि क्या पूछेंगे, वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड लाइन पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। यानी कि 4-5 महीने का करंट अफेयर्स आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, उस पर ओपिनियन डेवलप कर लीजिए, 70% क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। करेंट इकोनॉमी, करेंट पॉलिटिक्स, करेंट आर्ट एंड कल्चर, करेंट इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, उस पर जो है कि आप कर लें, तो आपका 70% क्वेश्चन पकड़ा गया। 70% क्वेश्चन तो मैंने पकड़ा दिया इस तरह से। प्राय मैं ये कैसे आपको बोल रहा हूँ,
कि मैंने जितने भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू से आने के बाद कि तुम्हें क्या पूछा गया क्या पूछा गया, पूछा टोटल क्वेश्चन लिख कर करके दो, टोटल क्वेश्चन लिख कर करके दो कि क्या क्या पूछा गया। तो उससे एनालिसिस कंक्लूजन आप ये कर सकते हैं कि लास्ट 5-6 महीना का जो क्वेश्चन होता है करेंट अफेयर्स होता है वही वो लोग याद रखते हैं, क्योंकि वो बोरिंग कमिटी का रिपोर्ट है और ये एक्ट आर्टिकल इस आर्टिकल में ये है, ये डाटा में ये है, आरबीआई का ये डाटा दिया गया, नहीं आरबीआई का पॉलिसी ये फॉर्मुलेट हुआ, उनका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उनको वो डाटा सब जो है याद नहीं रहता है। आप जो इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं, इंडिया ईयर बुक भी पढ़ते हैं, बहुत सारे आपके पास में इंफॉर्मेशन रहता है, वो लोग जो है कि तैयारी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, नहीं रहता है याद। मैं किस बेसिस पर ये बात कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट से पूछा कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया, लिख कर करके दो, लिख करके दो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो उसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन करेंट एस्पेक्ट से रहता है, उसको नोट्स बनाओ, उस पर ओपिनियन फ्रेम कर लो, पॉइंट बेसिस पर नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो रहेगा नहीं, 20-25 मिनट मैक्सिमम इंटरव्यू कंडक्ट होगा, 20-25 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसमें अगर तुम एक ही टॉपिक को एनालिसिस करोगे बहुत ज़्यादा तो बोलने का तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, तुरंत जो दूसरे मेंबर भी क्वेश्चन पूछ देंगे, जानते हो अच्छी तरह से आंसर दो, जो नहीं जानते हो सिंपली आई एम सॉरी, ठीक है, सिंपल अनेस्ट मॉडेस्ट रिस्पेक्टफुल, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 30% आंसर अगर तुम सेटिस्फैक्ट्री देते हो, अप टू द मार्क्स देते हो, तो तुम 70% मार्क्स ला सकते हो, और 100% आंसर जो एकदम सुपरफिशियली देते हो, इरिलीवेंट देते हो, आर्ग्यूमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट बकवास करते हो, तो 30% मार्क्स भी नहीं आएगा। बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिस्पेक्टफुल, राइट एंड टू द पॉइंट। नहीं जानते हो तो नहीं जानते, बताओ तुम लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान है जो परफेक्ट पर्सन को देखा होगा, जो 100% परफेक्ट है, जो 100% सब कुछ जानता है, कोई देखा है तुम लोगों में से जो 100% परफेक्ट है? तुम भी परफेक्ट नहीं हो 100%, नहीं जानते, नहीं जानते। प्रिलिम्स जो है कि आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी जज कर लेता है, क्योंकि आपको ऑलराउंडर बना देता है, सब कुछ जो है कि आपको पढ़ना होता है प्रिलिम्स में, इन दिस सेंस यू आर ऑलराउंडर, आपका ऑलराउंडर नॉलेज का तो जज आपको प्रिलिम्स में हो जाता है। मेन में कोहेरेंसी ऑफ नॉलेज, कोहेरेंसी ऑफ बेंट ऑफ नॉलेज, कोहेरेंट बेंट ऑफ नॉलेज, उनका जांच होता है कि आप कैसे सिस्टमेटिकली अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। इंटरव्यू सिंपली आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है, ठीक है। नॉलेज दो लेवल में आपका नॉलेज टेस्ट ले लिया गया, इसलिए अनिस्ट, जो जानते हो सही वो अच्छी तरह से प्रेजेंट करो, नहीं जानते हो सिंपली सॉरी बोल दो, अपोलाइज कर लो, बस पोलाइटली, बी पोलाइट, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट डे।